स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का सोशल साइंस MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन टर्म 1 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कंप्लीट पूरा इतिहास देखेंगे एक ही वीडियो में। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस चैनल में आपको 6 to 10 मिल जाएगा पूरा एग्ज़ाम की तैयारी मैथ और साइंस का, चैप्टर वाइज वीडियो पूरा मिल जाएगा बिल्कुल साधारण तरीके साधारण भाषा में। अभी टर्म 1 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, होने वाला है, होने रहा है, टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पूरा तैयारी, मैथ का पूरा चैप्टर कम्प्लीट करा दिए हैं जो भी फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ना है, साइंस का भी पूरा कम्प्लीट करा दिए हैं। साइंस का एक और वीडियो एक्स्ट्रा डाल दिए हैं जिसमें पूरा पूरा साइंस एक ही वीडियो में है, ठीक है। तो ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, साइंस वाला में जाइएगा, MCQ में तो साइंस का वीडियो मिलेगा, मैथ में जाइएगा तो मैथ का वीडियो मिलेगा। आज सोशल साइंस का भी कम्प्लीट कर देते हैं, ठीक। तो चलिए इतिहास का ये पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सभी क्वेश्चन को अभी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए टाइद का अर्थ होता है, टाइद का क्या अर्थ होता है ये बताना है। फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर का नाम है। तो फ्रांसीसी क्रांति के अनुसार टाइद का अर्थ होता है धार्मिक कर, टैक्स, है ना, धार्मिक जो टैक्स लगा था उसको टाइद कहा गया। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में ये शुरू हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, याद रखिएगा 14 जुलाई 1789। चर्च के विशेष कार्यों को करने के लिए करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था, तो उसको पादरी वर्ग कहा जाता है ना। चर्च में जो काम करते हैं उन लोगों को विशेष कार्य, जो चर्च में रहते हैं पादरी वर्ग कहलाते हैं वो लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ, तो लुई 16वां 1774 ईस्वी में आसीन हुआ। लिब्रे क्या है, तो लिब्रे फ्रांस का मुद्रा है, मतलब पैसा, जैसे इंडिया का मुद्रा रुपया है वैसा फ्रांस का लिब्रे है। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, तो टाइल कहते हैं, टाइल। और धार्मिक कर को क्या आया था, टाइड, है ना, ये टाइड धार्मिक कर है ये। और टाइल क्या है, तो जो राज्य को सीधे अदा किया जाता है उसको टाइल कहते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति पेरिस से शुरुआत हुई थी, ठीक है, फ्रांस के पेरिस जगह है, पेरिस से शुरुआत हुई। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखिएगा फ्रांस का सम्राट। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया, तो रोबेस्पियर ने आतंक का राज्य स्थापित किया था। ओलंप दे गुज कौन थी, तो ये एक क्रांतिकारी महिला थी, ओलंप दे गुज कौन थी, तो ये क्रांतिकारी महिला थी। मार्सेले क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान को मार्सेले कहते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मार्सेले याद रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रीय गान को मार्सेले कहते हैं, ठीक है। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना की गठन करने का निर्णय लिया था, तो टाउन हॉल के पास 7000 लोग खड़े इकट्ठे जमा हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन का निर्णय लिया था। मेनर क्या है, था मेनर था स्टेट को मेनर कहा गया। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई, तो 1848 ईस्वी में ये दास्ता समाप्त हो गई है, हो गई थी। फ्रांस की राजधानी कौन है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, याद रखिएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई, तो लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था, तो उसको कुलीन वर्ग कहा जाता था, दूसरे स्टेट को, फर्स्ट स्टेट पादरी वर्ग थे, है ना। लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे, तो बार बार युद्ध की मार झेल चुका था इसलिए कर बढ़ाना पड़ रहा था, क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था और बहुत ज़्यादा कर्जा में डूब गया था, तो उस कर्जे से उभरने के लिए टैक्स हर चीज़ में बढ़ा दिया था। मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किस शासक का था, तो ये था लुई 14वां का, मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, कहना था लुई 14वां। टैले क्या है, तो टैले एक प्रकार का भूमि कर है, भूमि जमीन का जो टैक्स लिया जाता था उसको टैले कहा गया।
नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? तो उसका बाप का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का बाप का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट, याद रखिएगा कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन का कोड के नाम से किसे जाना जाता है? तो कानून संग्रह को उसके कोड के नाम से जाना जाता है। क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी किसान थी? तो उस समय 90% आबादी जो था किसान था, फ्रांस में किसान थे, है ना, खेती बाड़ी करने वाले। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन थे? तो जॉन लॉक इस किताब को लिखे थे, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक। बास्टिल कब पर कब हमला किया गया था? तो 1789 ईस्वी में बास्टिल पर हमला किया गया था। फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में किसानों का विद्रोह 1789 में हुआ था। राजेट दिलाई ने किस चर्चित गीत की रचना की थी? तो मार्सिले, जो कि वहाँ का राष्ट्रगान बना। फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसे फांसी पर लटका दिया गया था। तो महिला को कौन सी महिला क्रांतिकारी थी जिसे फांसी पर लटका दिया था? तो ओलंप दे गुंज, ओलंप दे गुंज, ठीक है। तो ये रहा एमसीक्यू, और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहाँ से देख लेते हैं जो कि एमसीक्यू यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। तो किस वर्ष फ्रांस की संविधान बनाया गया? तो फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी में बनाया गया, याद रखिएगा 1791। नए संविधान ने फ्रांस को बनाया क्या? अवैधानिक राजतंत्र बनाया। 18वीं सदी में किस नए वर्ग का उदय हुआ? तो मध्य वर्ग का उदय हुआ 18वीं सदी में। 1791 के संविधान में किन्हें राजनीतिक अधिकार दिए गए थे? अमीर वर्ग को। तो 1791 में जो संविधान बना था उसमें अमीर लोग को संविधानिक राजनीतिक अधिकार दिया गया था, गरीबों का अधिकार नहीं था। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो उसको एस्टेट कहा जाता है, ठीक है। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को जो लोग रखते हैं उसको एस्टेट कहा गया। सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या क्या थी? तो 2.3 करोड़ थी। 2.3 करोड़ थी कब? 1715 में। किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट बना। वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई? तो वाटरलू में 1715 ईस्वी में नेपोलियन हार गया। अगला क्वेश्चन, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजधानी पेरिस के किस किले को तोड़ दिया गया? तो बास्टिल के किले को तोड़ा गया था। एक राजनीतिक संस्था जिसमें तीनों स्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे क्या कहलाते थे? उसको स्टेट जनरल कहते थे, जिसमें तीनों स्टेट के लोग अपना अपना प्रतिनिधि भेजते थे, है ना, स्टेट जनरल। सामाजिक अनुबंध द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार किस फ्रांसीसी विद्वान ने दिया? तो रूसो ने दिया था। सन 1793 से 1794 तक के काल को क्या कहा जाता है? तो आतंक का युग कहा जाता है। 1793 से 1794 आतंक का काल। जैकोबियन सरकार का अंत कब हुआ? 1744 ईस्वी में। जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? तो मैक्समिलियन रोबेस्पियर जैकोबियन क्लब का नेता था। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली का परिचालन फ्रांस में किसने किया? तो नेपोलियन ने किया, है ना, नाप दशमलव पद्धति। दो खंभों के बीच लटकते आरे की मशीन द्वारा अपराधी के सिर काटने वाली मशीन का क्या नाम था? दो खंभा में लटका हुआ रहता था आरे का मशीन, और वही आरी चल रहा है और आदमी को ऐसा जैसे यहाँ सीधा गर्दन खत्म कर, तो उस मशीन का क्या नाम था? तो गिलोटीन उस मशीन का नाम था। लुई सोलहवां का संबंध किस राजवंश था? तो बुर्बो राजवंश था। लुई सोलहवां को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई? तो देशद्रोह के आरोप में उसे फांसी दे दी गई। केवल किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे? तो तीसरे स्टेट के लोग या जनसाधारण लोग ही कर अदा करते थे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जब जीवित रहने के साधन खतरे में हो तो ऐसी स्थिति में को क्या कहते हैं? तो इसको जीविका संकट कहते हैं, जब जीवित रहने का साधन ही खतरे में हो। फ्रांस की राष्ट्रगान मार्सिली किसने लिखा था? तो कवि रोजेट दी लाइल ने लिखा था।
फ्रांस की राजधानी। बास्टिल के जेल को कब तोड़ा गया था, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्टिल के जेल को तोड़ा गया था। रूसो कौन था, तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। फ्रांस में महिलाओं ने अंततः कब मतदान अधिकार प्राप्त किया, तो महिलाओं को मतदान वोट देने का अधिकार 1946 में मिला फ्रांस में। किस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता के विचार दिए, तो फ्रांसीसी क्रांति ने ही पूरी दुनिया को स्वतंत्रता और समानता का विचार दिया है ना। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटे हुए थे, तो 3 स्टेट में बटे हुए थे। किस वर्ग के को कर देना नहीं पड़ता था, तो कुलीन और पादरी वर्ग को टैक्स देना नहीं पड़ता था, खाली मध्यवर्ग माने गरीब लोग को टैक्स देना पड़ता था ना, कुलीन और पादरी को नहीं। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर का पूरा क्वेश्चन यूरोप फ्रांस की क्रांति का। अब देखते हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये दो चैप्टर सोशल साइंस में पढ़ना है, मतलब इतिहास में, तो इतिहास का ये सेकेंड चैप्टर भी देख लेंगे यहीं पर। देखिए लेनिन कौन था, लेनिन कौन था, तो ये वेल्सविक पार्टी का नेता, वेल्सविक पार्टी का नेता था। हाँ, क्वेश्चन क्या है, कुलक से क्या समझते हैं, अगला कुलक को का से क्या समझते हैं, तो कुलक बोला गया है किसान की अच्छी हालत को कुलक कहते हैं। 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, तो 1917 में जो राजशाही की पतन की घटना था, उस घटना को अक्टूबर क्रांति कहते हैं, क्योंकि अक्टूबर के माह में ये हुआ था। जार किस देश का शासक था, जार जो था रूस के शासक था, रूस। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो रूसों ने की था। रूस की कोलखोज क्या था, तो रूस की कोलखोज सामूहिक खेती था, रूस की खोज। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन हुआ, 6 क्वेश्चन। 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर में है में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया, थी स्टालिन ने, स्टालिन याद रखिएगा, स्टालिन। अगला प्रश्न 8वां नंबर, रूस शासक राज निकोलसंस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया, तो राज जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र दिया था 2 मार्च 1917 ईस्वी में। लुई ब्लॉक कौन था, तो लुई ब्लॉक एक राष्ट्रवादी था। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, तो पादरी गैपोन के विरुद्ध में, के नेतृत्व में, विरुद्ध ने नेतृत्व में मजदूर का जुलूस जो था वो विंटर पैलेस पहुंचा। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा, तो पेत्रोग्राद पड़ा, पेत्रोग्राद। रूस बोल्शेविक पार्टी का नेता था लेनिन, ये तो पहला क्वेश्चन में ही था। अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री था उस समय केरेंस्की। अक्टूबर का जो क्रांति था उसकी शुरुआत जो होने लगी थी उस समय उसका जो रूस प्रधानमंत्री रूस का कौन था, तो केरेंस्की। लेनिन के बाद रूसो कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया, तो स्टालिन ने किया, स्टालिन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, सोवियत संघ टूटा कब, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है, तो रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। अगला, कोई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहा जाता था, कम्यून, सामूहिक खेती को कम्यून। रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे, तो रूस की यात्रा पर रविंद्रनाथ टैगोर 1930 ईस्वी में गए थे। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, तो ये जर्मनी का निवासी था कार्ल मार्क्स। द कैपिटल नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो द कैपिटल नामक पुस्तक का कार्ल मार्क्स था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने ही ये नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन है, पत्रोगाद सोवियत का जन्म कब हुआ, तो ये 27 फरवरी 1917 ईस्वी में हुआ। पेत्रोगाद क्रांति को किस नाम से जाना जाता था, तो पेत्रोगाद क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता था।
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में आते हैं, तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में कौन पार्टी निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे, तो बोल्शेविक पार्टी। किस विचारधारा के लोग सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और स्थान चाहते थे, उदारवादी लोग, उदारवादी, है ना। अगला क्वेश्चन, सोवियत का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा, तो 1930 से 33 के बीच के समय में सोवियत में सबसे बड़ा अकाल पड़ा। सोवियत संघ की स्थापना लेनिन द्वारा कब हुई, तो दिसंबर 1922 ईस्वी में। सोवियत संघ जो रूस टूट के बना पूरा, वहाँ पे अभी 15-20 देश जो टूटा वो सब एक था, उसी को सोवियत संघ कहा गया है ना, सोवियत संघ नाम था उस समय। किस क्रांति के माध्यम से समाजवादियों ने रूस में सत्ता संभाली, तो 1917 की अक्टूबर क्रांति के माध्यम से। सोवियत किन्हें की कहा जाता था, तो रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को सोवियत कहा जाता था। किन शक्तियों को केंद्रित शक्तियां कहा जाता था, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की के शक्ति को केंद्रीय शक्ति कहा जाता था। मार्फा वासिलेवा कौन था, तो मार्फा वासिलेवा बहादुर महिला कारीगर थे, ठीक है। मार्फा वासिलेवा कौन थी, तो ये एक बहादुर महिला कारीगर थे। बोल्शेविक का विद्रोह कब शुरू हुआ, 24 अक्टूबर 1917 ईस्वी में। खूनी रविवार का संबंध रूस के किस क्रांति से है, तो 1905 की क्रांति को खूनी रविवार कहा जाता है, ठीक है, 1905 की क्रांति से ये संबंध है। बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन कब रूस लौटे, 1917 ईस्वी में रूस लौटे। लेनिन के बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल कर क्या नाम रखा गया, तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी नाम रखा गया। बोल्शेविक पार्टी को ही क्या नाम रखा गया बाद में, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। रूसी इतिहास के किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये रूस का इतिहास से ही लिया गया है। किसी भी व्यक्ति को उसी के देश से बाहर निकालना या भेजना क्या कहलाता है, तो निर्वासित कहलाता है। निर्वासित, अपने ही देश से किसी को निकाल देना निर्वासित कहलाता है। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया, तो 2 मार्च 1917 ईस्वी में। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर किससे युद्ध किया, तो केंद्रीय शक्ति के देशों से उन्होंने मिलकर युद्ध किया। कौन निजी संपत्ति के विरोधी थे, तो समाजवादी लोग जो थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। मेंशेविक पार्टी के नेता कौन थे, क्रेस्की थे, है ना। 1905 के बाद इटली को राष्ट्रवादी आंदोलन किसने किया, तो गिसेप्से मेजिनी ने 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन किया, ठीक। तो ये रहा इतिहास का सारा प्रश्न, एमसीक्यू और अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से बन सकता था। तो उम्मीद है अच्छा वीडियो लगा होगा, काम का वीडियो अगर होगा तो शेयर कीजिए और भी लोगों तक, और भी स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनका भी एग्ज़ाम आसान हो, है ना, वो भी अपना घर बैठे एग्ज़ाम की तैयारी कर सके।